नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे देव उठानी एकादशी 2019 में कब है और क्या है इसका पूजा का मुहूर्त। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है, जो इस वर्ष 8 नवंबर दिन शुक्रवार को है। देव उठानी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार विष्णु भगवान योग निद्रा से निवृत्त हो जाते हैं और स्वयं को लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। देव उठानी एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है। इसके बाद से ही विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन सभी देवता योग निद्रा से जाग जाते हैं। देव उठानी एकादशी मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 नवंबर को सुबह 9:55 से एकादशी तिथि का समापन 8 नवंबर को दोपहर 12:24 तक। देव उठानी के दिन करें भगवान विष्णु की आराधना। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवता योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु समेत अन्य देवों की पूजा की जाती है। देव उठानी एकादशी को तुलसी विवाह भी करने का विधान है। इस दिन दान पुण्य आदि का भी विशेष फल प्राप्त होता है। देव शयनी से देव उठानी एकादशी तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इस बार 12 जुलाई दिन शुक्रवार को देव शयनी एकादशी थी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले गए थे। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ हो गया था, जो देव उठानी एकादशी तक रहता है। चतुर्मास में भगवान शिव सृष्टि के पालक होते हैं। इस दौरान विवाह, उपनयन, संस्कार जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, जिसमें देव उठानी एकादशी या देवोत्थान एकादशी को प्रमुख एकादशी माना गया है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की उपासना विधि विधान से करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।